नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री, हर जगह अपने स्टेटमेंट से हर किसी को क्लीन पोल कर देने वाले एक्ट्रेस राखी सावंत की। राखी सावंत इन दिनों पूरी तरह से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। राखी जिस तरह से अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे कर रही हैं, इस वक्त राखी सावंत के पति आदिल दुरानी जेल की हवा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पुलिस के रिमांड में थे आदिल दुरानी, लेकिन कल जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो उसके बाद आदिल दुरानी की जो पुलिस रिमांड है उससे मैसूर पुलिस को सौंप दिया गया है। दरअसल आदिल दुरानी की अगर बात करें तो मुंबई नहीं बल्कि मैसूर से उनका नाता है, मैसूर के रहने वाले हैं। और जब आदिल दुरानी को अंधेरी कोर्ट में पेश किया गया तो तभी जांच के दौरान पता चला कि मैसूर में भी आदिल के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। मुंबई पुलिस के साथ साथ मैसूर पुलिस भी जब कोर्ट में पहुंची, मैसूर पुलिस ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा और साथ ही राखी सावंत की सहमति के साथ आदिल दुरानी की जो पुलिस कस्टडी है वो मैसूर पुलिस को सौंप दी गई है। आदिल को मैसूर पुलिस को सौंप दिया गया है और अब मैसूर पुलिस भी आदिल दुरानी से पूछताछ करेगी। जहां एक और कोर्ट का फैसला आया, राखी सावंत एक बार फिर से भावुक होती हुई दिखाई दी। उनके मन में एक ऐसा खौफ है जो अभी भी उन्हें सता रहा है, उन्हें डरा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राखी अपने पति आदिल दुरानी से मुलाकात करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जहां एक और राखी को खुद आदिल ने मिलने बुलाया। राखी को उम्मीद थी कि आदिल उनसे माफी मांगेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, केस वापस लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। राखी ने खुद कहा कि जब मैं आदिल से मिली तो वो काफी ज्यादा रूठ था और साथ ही जब कोर्ट का फैसला कल आया उसके बाद तो आदिल दुरानी ने राखी सावंत को धमकी तक ही दे डाली। उसके बाद किया कुछ, राखी ने अपने पति आदिल दुरानी को लेकर खुलासा किया है मीडिया के जरिए। पहले आप वो सुन लीजिए। माय गॉड राखी सावंत, तुम इतनी स्ट्रांग हो। एंड ऑफ द डे मैं हूँ स्ट्रांग फिल्मों में बाहर, लेकिन जहाँ मेरे शादी का मामला आया, जहाँ मेरा थोड़ा सा माइक नीचे रखेंगे, जहाँ मेरा शादी का मामला आया, जहाँ मेरा प्रॉब्लम आया, शैतान ने पूरा मेरी ज़िंदगी की वाट लगा दी, पूरी ज़िंदगी की। ना सोच पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। ज़िंदगी की पटरी, शादी हुई थी तो इतनी खुश थी मैं, ऐसा लगा था कि अब मेरी शादी हो गई, मेरा पति है, मेरा बच्चा हो जाएगा, पहला रमजान में रोजे रखूंगी, उम्र आ जाऊंगी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा संसार। लेकिन जिंदगी को पता नहीं क्या मंजूर है, प्यार बार बार नहीं होता, बार बार प्यार नहीं होता, बार बार घर नहीं बसता और टूट जाती है। मैं टूट गई, सूझ नहीं रहा मुझे कुछ भी। आज मैंने उनको कोर्ट में देखा, आदिल को मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे, कहते हैं कि तिहाड़ जेल में अब मैं बहुत बड़े बड़े डॉनों से मिला हूँ। कहते आप सोच लो आपको क्या करना है। क्या ये धमकी भरा था मैम? हाँ, पूरा धमकी था। आपने कोर्ट में कहा नहीं आपको धमकियाँ मिल रही है जेल से आने के लिए? मैंने मेरे एडवोकेट को बोला, एडवोकेट को बोला, मैंने बोला उसको देने दे धमकी, क्या करेगा वो, जिनसे मिला है तो वो भी तो अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं है ना। और मुझे बोला कि एक बार भी नहीं बोला मैं सुधर जाऊंगा, मैं कभी नहीं करूंगा,
कभी नहीं मारूंगा। राखी ने बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की अपना घर बचाने की, बहुत ज्यादा कोशिश की, और आज देखो कहां से कहां आ गए। मैम क्या आपने कभी आदिल से बात नहीं की? काफी टाइम बात की मैंने, बहुत बार समझाया। इन्होंने तो समझाया था उसे, अपना घर बर्बाद मत करो एक लड़की के लिए, पूछो। बहुत बहुत मैंने आदिल के हाथ जोड़े मिन्नतें की है कि अपना घर खराब मत करो, राखी को मत छोड़ो, राखी के साथ रहो, अपना घर सब कुछ होता है, अपना करियर लाइफ मत खराब करो, बट उन्होंने मेरी एक ना सुनी और आज सब कुछ उल्टा हो गया है, सब कुछ आज भी। तो देखा आपने किस तरह से राखी सावंत घबराई हुई है, उनके मन में ये डर है कि आदिल आज नहीं तो कल शायद बाहर आ जाएगा, पुलिस रिमांड से बच जाएगा, इस केस से बच जाएगा, और उसके बाद वो राखी का क्या हश्र करेगा। आपको बता दें कि राखी सावंत ने जिन गंभीर धाराओं में आदिल के खिलाफ केस दर्ज किया है, अगर उसमें आदिल दोषी पाए जाते हैं तो आदिल को कम से कम 15 से 20 साल की सजा हो सकती है। लेकिन फिर भी आदिल जो है वो लगातार प्लानिंग और प्लॉटिंग करने में लगा हुआ है। मैसूर पुलिस को आदिल की कस्टडी जब सौंपी गई, कल जब आदिल को कोर्ट लाया गया, आदिल के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक एटीट्यूड था जो ये बात दर्शाता है कि आदिल को ना तो अपने किए पर किसी भी तरीके का पछतावा है, ना कोई शर्मिंदगी है, ना ही उसने राखी से एक भी बार माफी मांगी और ना ही राखी से किसी भी तरह की बातचीत की, यहां तक कि वो तो कोर्ट से बाहर निकलते ही राखी को धमकी तक देने लगा। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब मैसूर पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करेगी तो क्या कुछ सच बाहर निकल करके आता है, क्योंकि ईरानी स्टूडेंट ने भी आदिल दुरानी पर कई गंभीर आरोप लगाए। आदिल दुरानी की पहली पत्नी ने भी आदिल को लेकर ऐसे ही बड़े खुलासे किए और अब खुद राखी सावंत, सिर्फ राखी सावंत ही नहीं बल्कि आदिल दुरानी की एक्स गर्लफ्रेंड रोशेला की तरफ से भी ऐसा ही आरोप लगाया गया है, और अब तीनों महिलाएं एक साथ मिलकर आदिल को सजा दिलाने की कोशिश करती हुई यहां दिखाई दे रही है। इंतजार है कि आखिरकार मैसूर पुलिस कब अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है और क्या कुछ खुलासा यहाँ पर होता है। लेकिन एक बात तो साफ है के पर्दे पर जो कुछ भी दिखता है वो सच नहीं होता, क्योंकि आदिल को अब तक हम सभी ने पर्दे पर देखा, राखी के जरिए जाना और समझा, और क्या उस आदिल को देखकर कोई भी ऐसा अंदाजा लगा सकता था कि ये इतना जघन्य अपराध कर सकता है, इस तरह से एक एक्ट्रेस को टॉर्चर कर सकता है, मारपीट कर सकता है, पैसों का गबन कर सकता है। लेकिन हकीकत तो यही है, जो सबूत राखी ने मीडिया के सामने पेश किया है, कोर्ट में पेश किया है, वो तो इसी ओर इशारा कर रही है। और अब इंतजार है मैसूर पुलिस की रिपोर्ट का, क्या कुछ खुलासा करती है मैसूर पुलिस रिपोर्ट राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी को लेकर। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।